हेलो गाइस, साक्षी पठानिया हेयर। आज हम कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिस्टोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन जो हम हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में रिसीव करते हैं, प्लस उसकी लेबलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, अबाउट द साइज ऑफ द स्पेसिमेन, इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन includes the type of specimen taken at surgery, include small biopsies, example endoscopic biopsies, and larger sample including part of और इंटायर ऑर्गन्स। सो दैट मीन्स अब हमारे पास सैम्पल कैसा कैसा आ सकता है, या एंडोस्कोपी आ सकती है। एंडोस्कोपी मीन्स हमें लाइक इंजेक्शन, एक हमारे पास टूल होता है उसके थ्रू हम अपना सैम्पल लेते हैं, वो बहुत कम अमाउंट में सैम्पल होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल बायोप्सी। और अगर हमारे पास पूरा ऑर्गन आ रहा है तो दैट विल बी अनदर टाइप ऑफ। तो हमें अपने जो फिक्सेटिव वगैरह यूज़ करने होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ आर बायोप्सीज डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज स्पेसिमेन फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ असेंशियल स्टेप्स फ्रॉम द टाइम इट इज़ टेकन फ्रॉम द पेशेंट एट सर्जरी अप टू इट्स रिसेप्शन इन द लेबोरेटरी। दीज इंक्लूड पुटिंग द स्पेसिमेन इन अ अप्रोप्रिएट कंटेनर इमर्स्ड इन एन अप्रोप्रिएट टाइप एंड अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव, और उसकी एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन प्लस उसकी लेबलिंग प्लस पेशेंट की डिटेल्स, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। मतलब अगर हमारी फिक्सेशन सही नहीं हुई तो हमारा टिश्यू ख़राब हो जाएगा, तो वैसे ही सैंपल का कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो नेक्स्ट इज़ अगर हम लेबलिंग सही नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो मर्जी आ जाए वो सही बंदे के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ईच एंड एवरी स्टेप्स हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस, तो हमें हर स्टेप अच्छी तरह से करना होता है। इन नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेक्ट स्पेसिमेन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट फॉर अ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अगर हमारे पास इनकरेक्ट पेशेंट और स्पेसिमेन गलत आ जाएगा एंड लेबरिंग एरर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, टिश्यू आर्किटेक्चर एंड स्पेशली सेलुलर डिटेल्स कैन बी ऑब्स्कर्ड बाय इम्प्रॉपर फिक्सेशन। अब हमें जब पता ही नहीं है हमारे कौन से सैंपल में कौन सी प्रॉब्लम है, तो हम अपने टिश्यू को अच्छी तरह से फिक्स नहीं कर पाएंगे। जो पार्ट उस टिश्यू का फिक्स करने वाला था हम उसको कर नहीं पाएंगे, ना उस टिश्यू की प्रॉपर डायग्नोसिस होगी, तो वो टिश्यू भी वेस्ट होगा। हमने मतलब आपने किसी की बॉडी में से टिश्यू निकाला हुआ है और आप उसको ऐसे वेस्ट कर दो बिकॉज ऑफ रॉन्ग लेबलिंग, सो दैट विल बी हमारे एथिक्स के खिलाफ है ये लैब टेक्नीशियन के। सो नेक्स्ट इज इनकरेक्ट ओरिएंटेशन और लैक ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ अ स्पेसिमेन, लैक ऑफ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। अगर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन सही नहीं है, उसके मार्जिन सही नहीं है, फॉर एग्जांपल हमें जहाँ से कट डाउन करना है उस टिश्यू को, ग्रॉस सेक्शनिंग करनी है, उसके मार्जिन सही नहीं है, अगर मार्जिन सही नहीं होंगे तो उसकी ग्रॉस सेक्शनिंग सही नहीं होगी और हम हो सकता है मिस आउट कर दें वो पार्ट ऑफ द टिश्यू जिसका हमने डायग्नोसिस करना है। तो करेक्ट सैंपल की करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ कलेक्शन के टाइम ही होता है, अगर हम कलेक्शन के टाइम ये चीज़ें अवॉइड करेंगे तो हमारा टिश्यू की डायग्नोसिस सही नहीं हो पाएगी। सो नेक्स्ट थिंग इज़ गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। सेंडिंग फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू रिसीव small biopsy sample, so the specimen should be collected into a wide mouth container with a well fitting lid containing an adequate amount of 10% formicline. Formicline is your fixative. After that, completely submerge the specimen. Your sample should be completely submerged in that fixative fluid. Otherwise, आप fixation अच्छी तरह से नहीं हो पाई तो आपका tissue degrade होना start हो जाएगा. Next is the container should be accurately labeled along with the patient name, age, sex, ward and BHT clinic number. That means clinic number भी वहाँ पर mention होना चाहिए, plus आपकी age कितनी है, उस tissue के बंदे की sex क्या है उसका, उसके बाद patient name क्या है, everything should be clear. That means अगर आपका patient name same होगा तो उसमें हो सकती है ना थोड़ी, तो इसलिए हम clinical number भी लिखते हैं. If multiple biopsies are sent from same patient, तो हर specimen को अलग अलग container में रखना चाहिए, plus endoscopic biopsies should be प्लेस्ड ऑन अ फिल्टर पेपर। एंडोस्कोपिक जो बायोप्सी होती है वो साइज़ में बहुत स्मॉल होती हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से हमें ट्रीट करना होता है ताकि वो इधर उधर ना हमसे मिसप्लेस ना हो जाए। सो नेक्स्ट इज पिक्चर ऑफ एन एंडोस्कोपिक बायोप्सी स्पेसिमेन ऑन फिल्टर पेपर। सो ऐसा दिखता है, अगर हमारे पास एंडोस्कोपी का स्पेसिमेन आ जाए तो वो फिल्टर पेपर पे ऐसा दिखता है, तो इसको ही हमने प्रोसेस करना होता है आगे फर्दर सारा।
नेक्स्ट इज़, जब भी हमें कभी अपना हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन कलेक्ट करवाना होता है या किसी को भी सबमिट करवाना है फॉर डायग्नोसिस, तो एक रिक्वेस्ट फॉर्म आता है। उस रिक्वेस्ट फॉर्म में फर्दर गिवन इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। फर्स्ट वन इज़ टाइप एंड साइट ऑफ सैंपल, फ्रॉम वेयर योर सैंपल इज़ कलेक्टेड एंड टाइप ऑफ सैंपल। सेकेंड वन इज़ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व पेशेंट्स नेम, इट्स सेक्स, इट्स मतलब उसको क्या क्या पेशेंट्स हिस्ट्री है। रेलिवेंट क्लिनिकल डिटेल्स, अगर उसको रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स अगर कुछ भी हैं, बोन ट्यूमर है सपोज, आप बोन का सैंपल भेज रहे हो तो उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट एक्सेट्रा, जो उसके टेस्ट वगैरह हो रखे हैं फॉर लिवर बायोप्सी, रीनल फंक्शन टेस्ट फॉर रीनल बायोप्सीज, PSA लेवल फॉर प्रोस्टेटिक बायोप्सीज। तो जिस चीज़ का भी टिश्यू आप भेज रहे हो उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी हमारी फाइंडिंग्स हैं उसको भी साथ में देना होता है। रेफरेंसेस, नंबर एंड डायग्नोसिस ऑफ एनी प्रीवियस रेलिवेंट फाइन नीडल एस्पिरेशन, अगर कोई भी पहले पास में हो चुकी है उनकी हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग तो उसके बारे में बताना होता है। एन इंडिकेशन इफ़ द रिपोर्ट इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो। इफ़ ओरिएंटेशन सचर्स आर प्लेस द मार्जिन्स दे प्रेजेंट शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड, अगर मार्जिन्स लगा रखे हैं ग्रॉस सेक्शनिंग के लिए तो उनको अच्छी तरह से इंडिकेट करवाना होता है। ये रिक्वेस्ट फॉर्म के बारे में बताया गया है। एंड इफ़ वी आर गोइंग टू रिसीव लार्ज स्पेसिमेन, तो स्पेसिमेन शुड बी प्लेस इन अ वाइड माउथ कंटेनर विद अ वेल फिटिंग लिड कंटेनिंग 10% फॉर्मलिन, और उसको अच्छी तरह से सबमर्ज करा जाए। अ स्पेसिमेन इन अ सुटेबल वाइड माउथ कंटेनर, हाउएवर द अमाउंट ऑफ फॉर्मलिन इज इनएडिक्वेट टू सबमर्ज द स्पेसिमेन। अगर हम अपने स्पेसिमेन को ऐसे कंटेनर में रखेंगे जो ऑलरेडी उससे छोटा है साइज में, तो हमारे टिश्यू की अच्छी तरह से फिक्सेशन नहीं हो पाएगी, और फिक्सेशन सही नहीं हुई तो हमारा सारा रिजल्ट ख़राब हो सकता है, इंटरफेयर करेगा वो हमारे रिजल्ट में। तो इसलिए हमें उसकी फिक्सेशन अच्छी तरह से और कलेक्शन अच्छी तरह से करनी होती है। सो दीज थ्री पिक्चर्स आर एक्सप्लेनिंग द सैम्पल कलेक्शन। एक में आप देख सकते हो कि एक बकेट में फिक्सेशन बिल्कुल प्रॉपर है, स्पेसिमेन इन अ वाइड माउथ कंटेनर, उसके बाद फॉर्मलिन ऐड करा जाता है, उसके बाद उसको प्रॉपरली लिड लगाई जाती है। लेकिन थर्ड पिक्चर आप देख सकते हो जिसमें आपका टिश्यू बाहर जा रहा है, तो ये ऐसा कंटेनर है जिसमें आप टिश्यू नहीं रख सकते, आपकी फिक्सेशन इसमें हो पाएगी? आपको क्या लगता है? देखने से पता चल रहा है कि टिश्यू उसमें प्रॉपर ना फिक्स हो सकता है ना प्रॉपर उसमें रह सकता है। तो इसलिए कभी भी ऐसे स्क्वीज़ नहीं करा जाता अपने स्पेसिमेन को, हमेशा ऐसे ओपन बकेट में उसको फिक्स करा जाता है, और उसे 20 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम फिक्सेटिव यूज़ करी जाती है, इससे प्रॉपर फिक्सेशन होने में हेल्प होगी। नेक्स्ट इज़ द कंटेनर शुड बी एक्यूरेटली लेबल्ड विद द पेशेंट नेम, एज, सेक्स, वार्ड एंड BHT, दैट मीन्स क्लिनिक नंबर। व्हेन रिक्वायर्ड ओरिएंटेड सचर्स शुड बी प्लेस्ड एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड, हमें जो मार्जिनस होते हैं वो क्लियरली दिखने चाहिए। स्लाइसिंग द स्पेसिमेन इज़ नॉट रिकमेंडेड, जहाँ पर भी करनी होती है वो हिस्टोपैथोलॉजी की कलेक्शन के बाद होता है, जो भी करना चाहता है, जो भी मार्जिनस होते हैं वो उस बंदे ने उनके साथ डील करना होता है, तो पहले कुछ भी ना करा जाए तो बेहतर है। स्पेसिमेन शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरी एज सून एज पॉसिबल, ताकि उसकी प्रॉपर फिक्सेशन हो सके। डिटेल्स टू बी इंक्लूडेड इन द रिक्वेस्ट फॉर्म, जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं, उसकी पास्ट फाइंडिंग्स हैं, उसकी वॉट एवर, जैसा भी आप टाइप का स्पेसिमेन भेज रहे हो उसके रिगार्डिंग जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, चाहे वो नॉर्मल टेस्ट ही क्यों ना हो, वो साथ में अटैच ज़रूर करने चाहिए, ताकि आगे डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि पता लग जाए कि किस साइट पर हमें डायग्नोसिस करनी है, उसके मार्जिनस के अकॉर्डिंग हम ग्रॉस सेक्शनिंग कर सकें, ताकि उसकी आगे सेक्शनिंग में प्रॉब्लम ना हो। और अगर हमारी फिक्सेशन प्रॉपर तरह से नहीं हुई तो बाकी चीज़ें वैसे भी इंटरफेयर करी जाएंगी, तो इसलिए फिक्सेशन इज़ द मेन एंड आर स्टेप दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। दिस इज़ ऑल अबाउट द कलेक्शन एंड गाइडलाइंस ऑफ द हिस्टोपैथोलॉजिकल सैम्पल। तो हमने पूरी प्रेजेंटेशन में इसके बारे में डिस्कस करा है कि हमें कैसे सैम्पल कलेक्ट करना चाहिए, अगर हमारे पास बड़ा सैम्पल है उसको कैसे करना है, अगर छोटा है तो उसको कैसे करना है, और कौन सा फिक्सेटिव ज़रूर हमें अच्छी तरह से उसको फिक्स करना चाहिए, प्लस उसकी लेबलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेबलिंग सही नहीं है तो डायग्नोस करने के बाद भी आपके रिजल्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आप किसी और के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर लो, तो वो तो वैसे भी वर्थ इट नहीं है। तो हर चीज़ में अगर कलेक्शन सही नहीं हुई हमारी, आगे सारा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। सो कलेक्शन इज़ द मेन स्टेप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। सो थैंक यू सो मच। इफ़ एनी क्वेरीज यू कैन आस्क।